आदेश जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल ब्रजकिशोर गुरु जी। जी आप हमारे पास आए ब्लू एनर्जी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जी, जी, के लिए। जी जी तो किस तरीके का आपका अनुभव था ब्लू एनर्जी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके, और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था, और जो आपने यहाँ अनुभव किया तो क्या जो आपका यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के समय ब्लू एनर्जी के यानी वी नूरी बाबा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका एक्सपीरियंस था, क्या ऐसा एक्सपीरियंस पहले भी कभी आपको हुआ है? जी नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ है। जी देखिए, मैं जब आया था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ अभी, ठीक है, इस दौरान में। जी जब मैं आया तो मुझे तो इस ट्रांसमिशन से ही मतलब था, ठीक है, वीर नूरी जी बाबा की। जी जब मैंने ट्रांसमिशन लिया, जिसे मैं लिया जी, और मैं उस एनर्जी को ग्रहण किया अपने अंदर में, तो ग्रहण करने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जी ठीक है जी। फिर आपके माध्यम से ये जानकारी मिली कि मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी पहले से जुड़ी हुई जी, है, ठीक है, बिल्कुल। और ये एनर्जी बहुत पुरानी एनर्जी थी जी, ठीक है, जो पकड़ में आ नहीं रही थी, ठीक है। आपके माध्यम से, वीर नूरी जी के बाबा के माध्यम से मुझे उस एनर्जी से भी मुक्ति मिली यहाँ पे। जी और मुक्ति मिलने से ये होती थी कि देखिए, जब मुझे एनर्जी ट्रांसफर की गई थी जी जी, उस समय मेरा सर बहुत भारी था, ठीक है, ठीक है। उस समय ऐसा लग रहा था कोई चीज़ मुझे पकड़ ली है, सर को दबा रही है, ठीक है। लेकिन जब ट्रांसमिशन हुआ, जब मैंने आपने मुझे प्रैक्टिकल पे फॉर्म में लेके गए जी जी, तो उस समय भी वही स्थिति थी मेरे साथ में। और उस समय जब आपने बताया मुझे हाँ, कि भाई इसमें नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, इसको क्लीन करनी होगी, आपने उसने एक अपना प्रोसेस था जी, उस जी, प्रोसेस के हमने उसको आपने दिया और उस प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया जी जी जी। जब हमने कंप्लीट किया तो हमने ये महसूस किया कि हमारे जो शरीर के अंदर में एक दिमागी जकड़न थी, हाँ जी, हाँ जी, भारीपन था, वो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। ये उसके बाद हुआ होगा जो वीर नूरी बाबा के माध्यम से जो डार्क एनर्जी आपके साथ जुड़ी थी, तो डायरेक्टली उनके माध्यम से ही उसको खत्म करवा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। या कह लीजिए आप, क्योंकि एनर्जी खत्म तो होती नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो दूसरे में विलीन हो जाती बिल्कुल, बिल्कुल, है। तो वीर नूरी जो बाबा हैं, इनकी जो पावर है यानी ब्लू एनर्जी की, इनकी पावर ऐसी है कि आप डायरेक्टली इनको ग्रहण करवा सकते हैं बिल्कुल डार्क एनर्जी। तो इन्होंने जैसे ही ग्रहण किया होगा तो उसके बाद आपका ऐसा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह होती है आपके साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी है, ये आपको भी नहीं पता होती, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपकी दिक्कतें आपके साथ तो जुड़ी रहती हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब ये या तो आप पैरानॉर्मल एनालिसिस कराइए, तब ये बाहर निकलेगी, ठीक है ना। अगर वो चीज में नहीं गए हो तो ये डार्क एनर्जीज आपको भटकाती भी है, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, ठीक है। वो समय समय पे आपको ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि आप उस सकारात्मक जो पॉजिटिवनेस है उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब हमने वीर नूरी जी बाबा का ट्रांसमिशन लिया, ठीक है, उस समय भी हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी जुड़ी हुई है। जब आपका ट्रांसमिशन लिया तो हमारे ब्रेन में एक तकलीफ हो रही थी, ठीक है, तो मतलब ये बॉडी के अंदर थी। जब बाबा ने हमारे अंदर एंटर किया, ठीक है, तो वो तकलीफ में थी वो जी डार्क एनर्जी जी, लेकिन उसको भाई एक प्रोसेस होता है किसी को रिमूव करने का तरीका, हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपके माध्यम से वो प्रोसेस हमें पता चला, हमने आपने उस प्रोसेस को कराया और वो उनके द्वारा उसको ग्रहण करके विलीन करके उसको पॉजिटिवनेस में उसको कन्वर्शन कर दिया, ठीक है। जब वो पॉजिटिवनेस में कन्वर्शन हो गई वो चीज, तो हमें जो तकलीफ थी वो एक पॉजिटिवनेस एनर्जी देने लग गई, जबकि वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि परेशानी जो हो रही थी मुझे, उसको वो मुक्त कर दी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद प्रैक्टिकल हुए, हाँ, तो प्रैक्टिकल जब हुए हमारे, तो पहले तो उत्तर नहीं आ रहे थे किसी चीज के, डार्क एनर्जी के समय नहीं आ रहे थे, डार्क एनर्जीज थी, लेकिन रिमूवल के बाद चेंजेस हुआ होगा। रिमूवल के बाद चेंजेस हुए, दिमाग शांत हो गया। दिमाग शांत होने का मतलब ये होता है कि जो भारीपन था, अकड़नपन था, समझ रहा हूं जी, उसको वो रिमूव हो गया, वो खत्म हो गई। अब वो खत्म होने के बाद जवाब भी आए, भले ये कह सकते हो कि जवाब, आदमी ये सोचता है कि जैसे मेरे पास एनर्जी आ गई, मैंने कुछ कर लिया और मुझे फटाफट जैसे टीवी चल रही है, रिमोट चल रही है, ये ऐसा नहीं होता है। लोगों का
लोगों की ये धारणा है आज बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है इसको सबसे पहले अपने तत्व को अपने आप को समझना होगा जी कि किस तरीके से एनर्जी वर्क करती है। ब्रजकिशोर जी जैसे आपके प्रैक्टिकल्स हुए तो प्रैक्टिकल्स में जो सबसे करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वर्तमान बिल्कुल। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं और जैसे विजुअल प्रैक्टिकल्स होते हैं कि आपके हाथ में क्या है, आपकी पॉकेट में जो चीज रखी है वो क्या रखी है, इस तरीके के जो अभ्यास सिखाए जाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। वो बिल्कुल करेक्ट आ रहे बिल्कुल। थे। अब इसमें क्या है कि जो आप एकाग्रता रखते हैं, प्रैक्टिकल्स का मतलब होता है कि जो हमने एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बिल्कुल, वो एनर्जी इंडिविजुअल है बिल्कुल, दिखाई नहीं देती बिल्कुल। है तो अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है कहीं पे, लेकिन एक चीज है इसमें हाँ, जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है ठीक है, आप अब थोड़ा ध्यान में करते हैं ठीक है, उस एनर्जी की हाँ। जो प्रकाश मुना पुंज है ये उस एनर्जी का एक चीज ये है देखिए सुनिए नजर आता है हाँ, इंसान ये को। आप सही कह रहे हैं लेकिन कारण क्या है, आप चूंकि रियल इंटरनल पावर ग्रुप कोर्स में भी जुड़े रहे हैं जी जी। आपको उसमें भी पहले प्रैक्टिकल्स के मेथड सिखाए हैं तो आपकी ये कैचिंग पावर है जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डायरेक्टली ऐसा होता है तो सब ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को ये धारणा रहती है कि लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसी एनर्जी आ जाने से मैं कोई दिव्य पुरुष बन जाऊंगा बिल्कुल दिव्य पुरुष बन जाऊंगा या एनर्जी मैं वो एनर्जी मेरी गुलाम हो गई है, ऐसा नहीं होता है। ये एनर्जी आपकी सहायक है, आपकी रक्षक है, ना कि आपकी गुलाम है ठीक है ना। ये धारणा पे ना रहें, पहले समझें जी, महसूस करें, स्पिरिचुअलिटी को समझें कैसे वो होता है, उसके पर फिर उसके ऊपर आप आगे बढ़ें। आपको जो अभ्यास करवाए गए उसमें जो सबसे करेक्ट अभ्यास थे, और जैसे कि आपको 10 अभ्यास करवाए गए तो 10 में से आपके 8 आंसर बिल्कुल करेक्ट थे, बिल्कुल। दो या एक आंसर आपके गलत निकले हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस जो अभ्यास में आपको करवाया तो चूंकि हमारा जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का हम 3 डेज लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि एक दिन में आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, 2 दिन में हम आपको प्रैक्टिकल रिवीजन करवाते हैं जी जी। बट आपने बोला कि थोड़ा सा मुझे और समझना चाहिए विश्वनाथ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मुझे थोड़ा सा लगे कि अभी फिर पूछना चाहिए तो मैं आपको परेशान करूंगा, तो मैंने आपको बोला कि आप एक्स्ट्रा बिल्कुल रुक सकते। ये सबसे बड़ी बात ये थी हाँ। कि इसमें ना ही मुझे ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ये चीजें, ना हमारे सेट में था हाँ। ये सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट थी ठीक है ना। इस रिक्वेस्ट में आपके द्वारा बिल्कुल सहयोग था ठीक हाँ। है ना, और ऐसी भी नहीं थी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस ली गई थी मेरे से, तो क्लियर चीज है जो वास्तविकता है, उसे लोगों को ये ना लगे हाँ कि भैया 3 दिन एक्स्ट्रा रुक गए तो वो एक्स्ट्रा पैसा ले लिए होंगे इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं था जी जी। पूरा आप जैसे एक घर में रहते हैं वैसे था जी। घर का खाना था, घर के बिस्तर थे, और घर के अपने आप बोल सकते हो फ्रीनेस था, ऐसा भी नहीं था कि आप बंधन में हो ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों को समझना होगा, हमारे रिक्वेस्ट था आपने माना भी उसी चीज को, मान के हमको बिल्कुल सहयोग और सपोर्ट भी किया। देखिए ये एक हमारा जो कार्य है, हम जो कार्य कर रहे हैं, कारण ये नहीं है कि आप रुके हुए हैं। देखिए ये माहौल साधनात्मक है, जहाँ पे आपको रोका जाता है ये बिल्कुल स्वतंत्र माहौल है, यहाँ आपको बिल्कुल आप फ्री और रिलैक्स होकर आप रुक सकते बिल्कुल। हैं, आपकी मर्जी, आप 5 दिन रुक जाओ, आप 6 दिन रुक जाओ। कारण क्या होता है, हमें समस्या नहीं होती है, समस्या देखिए हर व्यक्ति का कार्य है, आप ज़्यादा दिन तक रुके रहेंगे तो आप ज़्यादा परेशान होंगे बिल्कुल। यही है, इसलिए प्रोसेस को 3 डेज का रखा गया है, नहीं तो हम उस प्रोसेस को 7 डेज का भी कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, वो लोग वो आते हैं जिन्हें जैसे साधना में बैठने में तकलीफ होती है, या किसी कारण बस कोई समस्या है, या इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि वो साधना नहीं कर सकते हैं, तो वो आते हैं। तो इसमें क्या है कि एक थोड़ा आसानी हो जाती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें रुक सकते हैं, और साथ में क्या है कि ये एक जुड़ाव है, ऐसा नहीं है कि आप हमारे से जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है हमने प्रैक्टिकल्स आपको करवाया, चीज़ें करवाई, तो ऐसा नहीं है कि जुड़ाव खत्म हो जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जुड़ेंगे, आपको उस चीज़ का बेहतर रिजल्ट मिलेगा जीवन में, बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे है ना। तो इससे जो चीजें हैं वो और अच्छी हो सकती हैं जिंदगी में। आपके द्वारा ऑप्शन भी खुला रहता है
कि ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रांसमिशन कर दिया गया और उसको ख़त्म हो गई हमारे काम, ठीक है ना। इसमें आपके द्वारा बिल्कुल इसी हर व्यक्ति को इसमें बिल्कुल इंस्ट्रक्टेड रहता है वो आपसे जुड़ाव का रहता है, कोई भी परेशानी या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी अगर कोई आती है परेशानी तो उसको कंसर्न करके आपके द्वारा माध्यम से उसकी जानकारी और उसकी सलाह लेके उसको भी किया जा सकता है। तो वो तो देखिए पर्सनल नंबर हम प्रोवाइड कराते हैं जितने भी लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को आते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल नंबर हैं या जो ऑफिस के नंबर हैं कई बार उन्हें टाइम टू टाइम ऑफ कर दिया जाता है ताकि लोग बार बार फ़ोन ना करें वहाँ पर। तो क्या है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके जब भी आप कोई केस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई केस में आपको प्रॉब्लम्स हो गई, एकदम आपको हमारे से बात करने की ज़रूरत है, तो आप हमसे सलाह ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ में, है ना, और आप पूछ सकते हैं चीज़ें। तो इसको आपका जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको करवाए गए, लेकिन जो आपकी पकड़ है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनमें आपकी पकड़ कमज़ोर है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन विजुअली का आपका पावरफुल है, इसके अलावा आपने रियल इंटरनल पावर में कुछ अन्य साधनाएँ की हैं, उन साधनाओं के माध्यम से वीर नूरी बाबा के माध्यम से आप अन्य कार्यों को कर सकते हैं बिल्कुल बिना उन्हें देखे भी, ठीक है। और बाकी जैसे आपने कई उसमें हमारे वीडियोस में देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत शुरुआती दौर की बात है कि जो जुड़ नहीं पाते थे तो वो प्रार्थनाओं के माध्यम से कार्य लेते थे। और एक और मैं यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, हालांकि दिखाऊंगा नहीं, कि कुछ चीज़ें कई बार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आप आए रुके तो कुछ अद्भुत था जो आपने देखा सीसीटीवी कैमरे में। देखिए मैंने दिखाया ना। नहीं देखिए देखिए ये चीज़ें बिल्कुल सही बोले आपने, ये चर्चा ऐसी है कि ये खोल के नहीं बताया जा सकती और दिखाया नहीं जा सकता किसी को। वो जो व्यक्ति है जिसने किया है वो ही देखा हुआ है और उसी को पता है वो क्या चीज़ है। जी ठीक है ना। और वो बिल्कुल खुली आंखों से देखा हुआ है, सीसी कैमरे में कैद हुई थी। हम तो अपने कार में भी बिजी थे, ऐसे नहीं था कि हमको नज़र आ रही थी, हम अपने कार में थे, लेकिन वो कैमरे में कैद हुई थी। और कैद होने के बाद ऐसा भी नहीं था कि एक सेकंड की चीज़ थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, और एक दिन की चीज़ थी वो, कंटिन्यूस जिस पर डे के हिसाब से जब अब वो कंटिन्यूस जुड़ी थी, इसको खोल के नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है, बहुत सारी चीज़ें को सोचना पड़ता है, ठीक है ना। जो उसका मूल उसका जातक है, जो समझ है, वो उसको वही समझ सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। सिर्फ ये केवल लोगों को ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसमिशन के लिए आया वो जैसे वो उसके लिए है, एक्चुअली उसकी कॉन्फिडेंस भी होती है। डेफिनेटली देखिए प्रैक्टिकल्स हुए, और देखो शक्तियाँ ऐसा नहीं है कि हमारे पास सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं तो सभी बार सीसीटीवी में ऐसी फुटेज कैप्चर हो, बिल्कुल है ना, ये कभी कभी रेयरली आ जाती हैं। लेकिन देखिए जिन्हें नहीं सीसीटीवी कैमरे में जब नहीं आती चीज़ें, उनको भी पूर्ण अभ्यास सिखाया जाता है, पूर्ण शक्ति कार्य करती है, जिनको आती हैं उन्हें भी पूर्ण सिखाया जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ऐसा देख लेते हैं तो हमारा जो एक खुशी होता है बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि देखिए हमने इसको विजुअल में ध्यान में देखना, उनसे कार्य लेना, वो सब कोई जानता है जो सीखता है। एक सेकेंड के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली दिखा क्या, मैंने शुरू में यही बोला था कि जब आप किसी भी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी को करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो एक प्रकाश कुंज दिखाता है, बस वही है। बस जी 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 सोचिए कि हमने खुल के भी बता दिया, अब समझने वालों के ऊपर है कि जो आप मानस में देख रहे हैं उसको प्रत्यक्ष विजुअल में हमने देखा है। बहुत बड़े। तो जो ब्रजकिशोर जी आपको अभ्यास करवाए गए, जो आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, उससे आप पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है गुरुजी, और आपके द्वारा हमें आश्वस्त भी किया गया है, ऐसा भी नहीं है कि आगे अगर कोई परेशानी आती है तो वो उसके लिए भी हमने पहले भी बोला था और अभी भी आपने उसको बोला हुआ है कि उसको हेल्प आपके द्वारा से हमेशा खुली रहेगी। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक महीना दो महीना साल भर के बाद भी आपके पास अगर हम उस चीज़ के सहयोग के लिए आते हैं और हेल्प के लिए आते हैं तो आप उसको हमेशा तत्पर रहते हैं इसको करने के लिए। बस अरते हैं कि मुझे तो ये पता है कि लोग आते नहीं हैं क्योंकि उनके खुद इतनी सेटिस्फाइड हो जाते हैं अभ्यास कर करके करके, अब वो करना पड़ता है जी, ठीक है ना। आप कोई भी गाड़ी लेना तो गाड़ी लेके उसको आप डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसको अभ्यास करना पड़ता है, उसमें पकड़ बनानी पड़ती है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही है ये एक्चुअली। बाकी तो देखिए जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करके इस लेवल पे आपको लेके आना कि आप अदृश्य चीज़ों को जान सकें, देख सकें। आपने कुछ अभ्यास आपको यहाँ करवाए गए, कुछ अभ्यास आपने अपने प्रियजनों के विषय में पूछा कि वो कहाँ हैं या क्या कार्य हो रहा है, वो भी आपको बिल्कुल बिल्कुल सटीक प्राप्त
रखोगे। तो ये देखिए अभ्यास का विषय है, और जितना ज़्यादा आप इस पर अभ्यास करते जाएंगे उतने आप और अच्छे बनते चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी किसी चीज़ को बताते हैं लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए 21-21 साल व्यक्तियों को तब करना पड़ता है। अभी वो चीज़ आपको अगर 3 दिन में सिखाई जाएगी तो जाहिर सी बात है आप पूर्ण रूप में उसको सीखेंगे, लेकिन उसकी निखारने के लिए आपको खुद भी अभ्यास करना पड़ता है इसमें। तो ये है, जो भी आपको सिखाया गया उससे आप पूर्ण रूप संतुष्ट है, जो प्रैक्टिकल करवाए उससे सेटिस्फाइड है। बिल्कुल सेटिस्फाइड है बिल्कुल गुरु जी, ऐसा कोई भी नहीं था कि जो आपने छुपा के किया हो या कोई चीज आपने डार्क में रख के हमेशा हमारे साथ कुछ किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो उसको ओपनली, देखिए जो देख रहे हैं उनके लिए भी ओपन था कि हमने विजुअल में क्या देखा, हमने क्लियर कह दिया, लेकिन दिखा तो नहीं सकते हम, सही बात है, क्योंकि वो देखिए दिखाना ऐसा चीज होता है जो किया है उसको पता है, ठीक है, बाकी को भ्रांति है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने आपको ये वीडियो बनवाने के लिए आपको कुछ पैसा दिया हो? नहीं गुरु जी, पैसा तो मैंने दिया था आपको। क्योंकि शायद कई बार ऐसा लगता हो लोगों को, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं था, और मैं कहना चाहूँगा ये मेरे साथ नहीं था और भी लोगों के साथ था, लेकिन वो सब चीज़ें खुल के नहीं बताई जा सकती। हाँ, जिसे अगर लगता है कि मुझे जानना है तो भैया पेमेंट कर ले, आ जाए और देख ले, हम भी साथ में रहेंगे, वो भी साथ में रह जाए, गुरु जी भी साथ में रहेंगे, तो सब मिलके उस चीज़ को देख सकते हैं और अपनी भ्रांतियाँ दूर कर सकते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा विच किशोर जी, और आप अपने जीवन में इन एनर्जीज के माध्यम से बदलाव लेके आइए, चीज़ों को आप करिए, और जैसे जैसे आप उन चीज़ों को करते जाएंगे वैसे वैसे आप और प्रखर बनते जाएंगे और निखरते जाएंगे और सटीकता से उन चीज़ों को आप गहराई से समझ पाएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल गुरु जी।